हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे 21 ऐसे जनरल क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और ये 21 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन 21 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ बोन्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स, टोटल हड्डियां कितनी होती हैं। तो यहां पर अगर उनकी हड्डियों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो होती हैं 206, 206 हड्डियां होती हैं टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ मसल्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो यहां पर अगर मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियां यहां पर होती हैं 639। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल बॉडी के अंदर, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है स्पर्म, जो कि मेल के थ्रू रिलीज होता है या फिर मेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। मेल के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है नर्व सेल। न्यूरॉन्स के जो सेल्स होते हैं वो सबसे बड़े सेल होते हैं, मतलब नर्व सेल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी। यहाँ पर अगर हम सबसे छोटी बोन की, सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो होती है स्टेपेस, जो कि होती है ईयर के अंदर, कान के अंदर। हमारे बॉडी में कान के अंदर जो ईयर होता है उसके अंदर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल्स, सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी होती है बॉडी के अंदर। तो सबसे बड़ी जो मांसपेशियां होती हैं बॉडी के अंदर वो मांसपेशियां होती है इस टाइप की मांसपेशियां होती है जो कि पेल्विस और फीमर, जो पेल्विस हड्डी होती है, पेल्विस जो बोन होती है, और फीमर जो हड्डी होती है टांग की, लेग की जो फीमर हड्डी होती है उसको ज्वाइंट रखती है। यहाँ पर कौन सी मसल्स, जो कि बॉडी के अंदर सबसे बड़ी मसल होती है, जो कि सबसे लार्जेस्ट मसल होती है, जिसका नाम है बुटेक ग्लूटियस मैक्सिमस। ये सबसे बड़ी मसल होती है जो कि जोड़ के रखती है, ज्वाइंट करके रखती है पेल्विस और फीमर बोन्स को आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन और सबसे बड़ी बोन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है वो होती है फीमर। फीमर सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बोन होती है मनुष्य के शरीर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं लीवर। लीवर जो है वो एक ग्लैंड होता है जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है। और भी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि एडर्नल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर होता है। इन ग्लैंड का जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, इन ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करके चलते हैं। बट यहां पर इस क्वेश्चन में हम ये जान रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर वो होता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है। तो सबसे बड़े ऑर्गन की अगर बात करें तो होता है स्किन। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है मनुष्य की बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल ऑर्गन अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि एक्सटर्नल ऑर्गन, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, इंटरनल नहीं है। एक्सटर्नल ऑर्गन बॉडी की स्किन जो होती है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो होती है एरोटा। और बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज होती हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो इसी एरोटा की सब ब्रांचेस होती हैं। तो मेन जो आर्टरी होती है वो होती है एरोटा, जो कि हार्ट से कनेक्ट होती है। जब हार्ट पंप करता है तो इसमें से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी को प्रोवाइड होता है, इसी
छोटी आर्टरी के थ्रू प्रोवाइड होता है जिसका नाम है एरोटा। एरोटा की और जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो एरोटा की ही सब ब्रांचेज होती हैं। तो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो होती है एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट मसल्स, सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है। तो सबसे छोटी मसल्स जो होती है वो भी ईयर के अंदर ही होती है, कान के अंदर होती है, उसका नाम है स्टिपीडियस मिडल ईयर। ये जो मसल्स होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स है, सबसे छोटी मांसपेशियां जो होती है वो होती है हमारी कान के अंदर, जिसका नाम होता है स्टिपीडियस मिडल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लार्जेस्ट जीन, सबसे बड़ा जीन जो होता है बॉडी के अंदर, सबसे बड़ा जीन जो होता है बॉडी के अंदर उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मिल्क टीथ, नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, दूध के दांत अगर हिंदी में बोले तो दूध के दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मिल्क टीथ जो होते हैं वो होते हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी, नंबर ऑफ बोन्स की अगर बात करें न्यू बॉर्न बेबी, न्यूनेट जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है जो जैसे ही डिलीवरी होती है वो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो बोन्स होती है, जो हड्डी होती है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ हड्डी कितनी होती है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है। तो वहां पर हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो छोटे बच्चे के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 300 हड्डियां होती हैं छोटे बच्चे के अंदर, जो कि जैसे ही वो बड़ा होता जाता है तो वो वहां पर फिर कम होती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, मनुष्य के शरीर के अंदर, और मनुष्य यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य के जो पैर होते हैं, ह्यूमन के जो पैर होते हैं उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ पर फुट की बात कर रहे हैं, नीचे का जो फुट होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर हड्डियां जो होती हैं वो है 26 जो बोन है वो होती है ह्यूमन के फुट में। जो पैर होता है, पंजा जो होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 26। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोन्स अगर पूछी जाती है, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आपसे पूछे जाए, ये जनरल नॉलेज है, आपको पता भी होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड, हाथ के जो पंजा होता है, हैंड होता है, उसमें कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो ये नंबर ऑफ बोन्स है 27, 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ के अंदर। यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो आप, ये काउंट कर सकते हो आप, यहाँ से अगर इनको ओवरऑल काउंट करोगे तो ये 27 काउंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरबीसी की एवरेज लाइफ के बारे में। एवरेज लाइफ जो होती है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 120 days, 120 दिन जो होती है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ये पुट अप किया जाता है, कहीं भी कोई भी पूछता है कि यहाँ पर अगर आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल जो होता है ब्लड के अंदर, उसकी लाइफ कितनी होती है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे फास्ट काम करने वाला जो एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, अगर यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं एंजाइम क्या करते हैं। बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को मेंटेन करके चलते हैं, चाहे वो कोई रिएक्शन में यूज़ हो रहे हो। यहाँ पर अगर हम एंजाइम की बात कर लें तो बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जहाँ पर एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रही हैं, जो कि बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन कर रही हैं उन रिएक्शंस के थ्रू, वहाँ पर उन रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में जो हेल्प करते हैं वो एंजाइम हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे फास्टेस्ट एंजाइम का, जो सबसे जल्दी काम करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट नर्व, सबसे बड़ी जो नर्व होती है, सबसे बड़ा जो नर्व होती है वो होती है पेल्विस से लेके और फीमर से, मतलब जॉइंट होती है फीमर और पेल्विस, दो जो बोन होती है, दो जो हड्डियां हैं, ये जो पेल्विस और फीमर है इनको ज्वाइंट करके रखती है, वहां पर जो ज्वाइंट करके रखता है वहां पर जो सबसे लार्जेस्ट नर्व, सबसे बड़ी जो नर्व होती है, हम ये यहाँ पर ये बोल सकते हैं, जान सकते हैं कि सबसे बड़ी जो नर्व होती है बॉडी के अंदर वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं पेल्विस बोन जो होती है और फीमर बोन जो होती है उनके बीच में यहाँ पर सबसे बड़ी नर्व होती है, जिसका नाम होता है साइनेटिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल बॉडी के
अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा सेल जो प्रोड्यूस होता है वो होता है फीमेल के थ्रू सबसे बड़ा सेल प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है एग सेल, और जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है ओबम। ओबम और एग सेल जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है बॉडी के अंदर, जो कि फीमेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं। जो इंटेस्टाइन होती है बॉडी के अंदर, दो इंटेस्टाइन होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, जिसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ जो होती है उस इंटेस्टाइन की, वो होती है 7 मीटर। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन कोई पुटअप करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर बता सकते हैं 7 मीटर होती है। ये जो 21 क्वेश्चंस के बारे में हमने आज जो जाना है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जनरल क्वेश्चंस हैं ये, इससे मतलब ये नहीं होता है कि कहीं किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो या नहीं पूछे जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। बट इनके बारे में हमें जनरली पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।